नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अंजलि और आज मैं बनाऊंगी दम आलू। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी भी बनती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 8 से 10 आलू लिए हैं, जो मैंने छील के और धो के रखे हैं। छोटे आलू लेने हैं आपको। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे तेल में, या मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है। इसमें आलू डालेंगे, फ्लेम लो रखें। हम इसको लो फ्लेम पर ही पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तब तक हम अपना मसाला पीस लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 प्याज जो मैंने रफली चॉप किए हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 से 8 लहसुन की कली, 1 हरी मिर्च और 2 टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 लाल मिर्ची भिगो कर रखी थी पानी में। इसको आप ब्लेंडिंग जार में डाल दें। अब इसको आप पीस लें अच्छे से। इसको पीसने के बाद आप इसको साइड में रख दें। अब हम अपने आलू चेक कर लेते हैं। इसको बीच में घुमाते रहें। इसको चेक करने के लिए आप एक फोक लें, उससे पोक करके देखें। अगर ये सॉफ्ट है तो मतलब ये हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दें। तब तक हम अपनी ग्रेवी बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, उसमें 2 चम्मच जितना तेल डालूंगी और थोड़े मीडियम गरम तेल में ही हम इसमें 1 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। अब इसमें हम अपना जो ब्लेंड किया हुआ पेस्ट है वो डालेंगे। फ्लेम लो रखें। अब इसको अच्छे से मिलाएं और 10 से 15 मिनट तक आपको इसको लो से हाई फ्लेम पर पकाना है। जब तक ग्रेवी पक रही है तब तक हम आलू में होल्स कर लेते हैं। आपको यहाँ आलू लेने हैं और इसको फोक की हेल्प से इसमें होल्स करने। इसको साइड में रख दें। ग्रेवी चेक कर लें, गाढ़ी होती जाएगी। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, पर आपको तब चलाते रहना पड़ेगा इसको। ये देखिए, इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी तक हमको इसको पकाना है। ये पक चुकी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, 1 चम्मच जितना जीरा पाउडर, 1 चम्मच जितना गरम मसाला और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको मिलाने के बाद हम इसमें 1 गिलास जितना पानी डालेंगे धीरे धीरे। आधा पानी डाल के इसको आप अच्छे से मिला लें। अब मैं बाकी का पानी भी डाल रही हूँ। अब इसको आप पकाएं। इसमें एक बॉईल आने तक हमको इसमें आलू डालने हैं। एक बॉईल आने के बाद इसको आप 2-3 मिनट तक लो से हाई फ्लेम पर पकाएं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना मैगी मसाला पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और 2 बड़े चम्मच जितनी हम इसमें मलाई डालेंगे। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, अमूल की। मैं इसमें घर की मलाई डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिलाएं और 1 मिनट तक पकाएं। अब ये हो चुकी है सब्जी।
अब हम इसमें एक चम्मच जितनी कसूरी मेथी डालेंगे हाथ में क्रश करके, और उसको अच्छे से मिलाएंगे। अब दम आलू बिल्कुल रेडी है, हम इसमें धनिया डाल के इसको सर्व कर लेंगे। ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू।